हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे सीबीएसई की ओर से एक सर्कुलर आया हुआ है, लॉन्चिंग ऑफ सीबीएसई फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन इन लाइन विद निपुण भारत गाइडलाइंस इन सीबीएसई स्कूल। तो यहाँ पे निपुण भारत करके कोई एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या दिया गया है और एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले NEP का कुछ यहाँ पे लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स इज अ नेसेसरी फाउंडेशन एंड एन इंडिस्पेंसेबल प्रीरिक्विजिट फॉर ऑल फ्यूचर स्कूलिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। The NEP 2020 recommends the highest priority of the education system will be to achieve universal foundation literacy and numeracy in primary schools by 2025. The rest of this policy will become relevant for our students only if this most basic learning requirement, that is reading, writing and arithmetic at the foundation level, is first achieved. तो यहाँ पे foundation level जो है class 5 तक का, जिसे कह सकते हैं primary level, तो प्राइमरी स्टेज पे जो है यहाँ पे बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और कंप्यूटेशनल जो एरिथमेटिक स्किल्स है वो यहाँ पे बच्चों में होनी चाहिए, और वो एक फाउंडेशन कोर्स जिसे हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर बात की गई है। तो NEP 2020 में यहाँ पे ये चीज फोकस की है कि 2025 तक ये सारी चीजें अचीव हो जानी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें आनी चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत। तो यहाँ पे पूरा इसका निपुण का जो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनाया है उसका फुल फॉर्म लिखा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण, फॉर एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरीली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026-27। तो यहाँ पे ग्रेड 3 लिखा है, मैं प्राइमरी लेवल पहले अभी हम जैसे जनरली यूज करते हैं क्लास 5 तक तो वो बोल गए, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 3 तक लिखा है, तो क्लास 3 तक ये सारी चीजें बच्चों में आ जानी चाहिए। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत इन इट्स स्कूल CBSE इन एसोसिएशन विद सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन हैज लॉन्च द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स ऑन FLN फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स। द कोर्स हैज बीन डिजाइन विद एन एम टू ब्रिज द लर्निंग गैप इन द अर्ली ग्रेड्स, डेवलप द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स टू अंडरस्टैंड concepts in the FLN domain and equip them with tools and resources to help them in the classroom. तो यहाँ पे जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उन टीचर्स के लिए है ये ट्रेनिंग, तो उनके लिए डेवलपमेंट कोर्स रहेगा। FLN कॉर्नर कहाँ पे इसकी सारी डिटेल आएगी, तो इसके लिए CBSE ने एक अलग सा URL दिया है, ये इसका URL है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जा सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC MOOC FLN Toolkit and Assessment Bank have been provided for teachers and various e-learning are integrated for easy and convenient learning among students. तो यहाँ पे अगर कोई रजिस्ट्रेशन होगा या कुछ डिटेल होगी तो उसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो, एक कॉम्प्रीहेंड वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा गाइड होगा, डेडिकेटेड वीडियो आपको इसके ऊपर मिलेगा अगर ऐसा कुछ है तो। स्कूल्स कैन एक्सेस वेरियस यूजफुल रिसोर्सेज मटीरियल फ्रॉम FLN कॉर्नर विच शैल बी पीरियोडिकली अपडेटेड विथ अप्रोप्रिएट एंड लेटेस्ट मटीरियल फ्रॉम NCERT CSF प्रथम फाउंडेशन। तो इनके द्वारा मटेरियल यहाँ डे टू डे और रेगुलर इंटरवल पे अपडेट किया जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स ऑन FLN, दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कोर्सेज, टीचर्स स्कूल लीडर्स विल हैव टू एनरोल ओनली वंस फॉर द कोर्स एंड ऑन अ वीकली बेसिस रिविजिट देयर कोर्स टू एक्सेस द लेटेस्ट सब कोर्स। तो यहाँ पे कोर्स के अंदर भी अलग अलग छोटे छोटे मिनी कोर्स या सब कोर्स बनाए जाएंगे, तो जो भी टीचर्स या तो प्रिंसिपल या तो स्कूल लीडर जो भी है जो यहाँ एनरोल करेंगे उनको यहाँ पे वीकली बेसिस पे इसको एक्सेस करते रहना है। दिस टीचर्स स्कूल लीडर्स विल बी एलिजिबल फॉर अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओनली वंस ही हैज कंप्लीटेड ऑल द 3 सब कोर्सेज। तो जो 3 सब कोर्सेज कंप्लीट करेंगे उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, उनकी सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी यही है। द शेड्यूल फॉर द रिलीज ऑफ द 3 सब कोर्सेज इज एज फॉलोज। तो यहाँ इनका शेड्यूल देख लेते हैं। सब कोर्स 1 वाई FLN एंड माई रोल एज ए टीचर, तो पहले ये है। दूसरा कोर्स है इफेक्टिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस ऑन FLN मॉड्यूल, और तीसरा कोर्स जो है वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज फॉर FLN। हाउ टू एक्सेस द कोर्स, कैसे इसको एक्सेस किया जाता है, तो पहला यहाँ पे दीक्षा ऐप का लिंक दिया है, तो इसको भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये तो डाउनलोड कैसे करेंगे ऐप उसका है।
दूसरा QR कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं, और यहाँ पे diksha.gov.in है, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर के आप कर सकते हैं कोर्सेज टैब से। गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म, गूगल क्लासरूम पे ये ब्लॉग स्पॉट यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जाकर के आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। उसके बाद है QR कोड डायरेक्टली स्कैन करके भी कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज दी है यहाँ पे, डायरेक्टली स्कैन करो और आप इसमें एनरोल हो जाएंगे, तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद है स्टेप टू लिंक गूगल क्लासरूम शैल बी चेंज व्हेन वन कोहोर्ट इज फिल्ड, तो जैसे कोहोर्ट फिल्ड हो जाएगा गूगल का क्लासरूम लिंक चेंज हो जाएगा, जैसे हर किसी प्रोग्राम में होता है। पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइज टू ज्वाइन ओनली वन कोहोर्ट एंड यूज द अवेलेबल लिंक एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो जो भी मिलेगा वो यहाँ पे एक्सेस करते रहना है। पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन द क्लासरूम एंड असेसमेंट बाय यूजिंग देयर cbsedigitaledu.in ID ओनली, तो ये ID यहाँ पे बार बार काम में आ रहा है सभी के, तो इसी ID से आपको लॉग इन करना है। मैनी टीचर्स हैव आस्क मी अबाउट पासवर्ड रिकवरी, बट पासवर्ड रिसेट के लिए यहाँ पे एडमिन जो है इसका वो है CBSE, तो CBSE ही आपका पासवर्ड चेंज कर सकती है। तो मेल करने के बावजूद भी वहां से हालांकि रिप्लाई किसी को भी नहीं मिला है जितना मेरी नॉलेज में है, तो वहां पे आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा या तो फिर उनको बताना पड़ेगा, पता नहीं, पर वहां से रिस्पांस नहीं आता इस अकाउंट के रिगार्डिंग। तो जो पासवर्ड भूल चुके हैं या तो पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है, तो आप बात करिए RO में या तो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में उनका क्या कहना है। तो पासवर्ड के लिए उनको रिकवरी का ऑप्शन रखना चाहिए या तो पर्टिकुलर टीचर से उनको दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो परमिशन नहीं मिला है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स हु आर कंप्लीटिंग कोर्स थ्रू गूगल क्लासरूम लिंक कैन डाउनलोड दैट सर्टिफिकेट थ्रू CBSE पोर्टल, तो ये जो IT का पोर्टल है ट्रेनिंग का, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर 6 सितंबर, तो 6 सितंबर के बाद अवेलेबल हो जाएगा इसके लिए। पार्टिसिपेंट्स मे एक्सप्लोर ऑल अबव ऑप्शंस कनेक्टिव कन्वीनियंटली थ्रू FLN कॉर्नर अवेलेबल ऑन CBSE वेबसाइट थ्रू द लिंक, तो इसका लिंक यहाँ पे FLN करके जो दिया है वहां मिलेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स पार्टिसिपेंट्स में आइदर गेट देयर ई सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएटली थ्रू दीक्षा प्लेटफॉर्म और थ्रू गूगल क्लासरूम, तो दीक्षा करेंगे वहां दीक्षा वालों को मिलेगा, और जो गूगल क्लासरूम से करेंगे गूगल क्लासरूम से डायरेक्टली जो CBSE IT ट्रेनिंग वाला है वहां से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे सर्कुलर था, तो आशा रखता हूँ कि जो FLN का डिटेल मैंने दिया है, जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होगी। तो आप भी अगर कोई प्राइमरी टीचर है या तो आप प्रिंसिपल है और अपने स्कूल में प्राइमरी टीचर्स के लिए ये कोर्स करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे अवेलेबल होता है लिंक पे जाइए और एनरोल कर लीजिए। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दीक्षा भी अवेलेबल है, गूगल क्लासरूम भी अवेलेबल है, तो दोनों लिंक एक्सेस करके आप कर सकते हैं। हालांकि उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां जाकर के आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और ऐसे वीडियोस ट्रेनिंग के रिलेटेड CBSE ट्रेनिंग का अपडेट या तो कोई भी CBSE का अपडेट है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके YouTube में आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।